फ्रेंड्स आईपीएल 2020 शुरू होने में अभी काफी समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2020 का ऑक्शन यानी नीलामी अब जल्दी शुरू होने वाली है। और इस ऑक्शन से पहले जहाँ सारी 8 आईपीएल टीमें इस ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी थी, जुट चुकी थी, वही एमआई की टीम भी इस बार ऑक्शन की तैयारियों में काफी एक्टिव दिख रही है। और एमआई की टीम महिला जयवर्धन के साथ मिलकर कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना है, कौन से प्लेयर्स को रिलीज करना है, ये सारी तैयारियां फिलहाल इस ऑक्शन से पहले कर रही है। और अब ऑक्शन शुरू होने में काफी कम दिन ही बचे, काफी कम समय ही बचा है। और इससे पहले एमआई की टीम ने बीसीसीआई से एक अजीबोगरीब मांग कर दी, एक मांग रख दी है। और अब काफी सारी टीमें भी यही चाहती है कि एमआई की ये मांग पूरी हो। दरअसल मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर एमआई की टीम ने बीसीसीआई से कौन सी मांग रखी है, और अगर बीसीसीआई ये मांग पूरी नहीं करेगी एमआई की टीम की, तो एमआई की टीम कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेगी और क्या करेगी। क्या सचमुच एमआई की टीम आईपीएल 2020 के सीजन में नहीं खेलेगी? मैं इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट, सारी जानकारी, सब कुछ देने वाला हूं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीजन, तो नीचे का ही लाइक का बटन दियोगे उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। फ्रेंड्स आपने अक्सर एमआई की टीम को आईपीएल में देखा होगा, ये टीम शुरुआत के लगभग 4-5 मैचेस हार जाती है, इसके बाद ये टीम अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है और मैचेस जीतना शुरू करती है। यानी एमआई की टीम को आईपीएल में अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाने से पहले 4-5 मैचेस लग जाते हैं। शुरुआती 4-5 मैचेस ये टीम हार जाती है। इसके अलावा एमआई के अलावा दिल्ली कैपिटल्स या फिर केकेआर, इन टीमों को भी शुरुआती मैचेस में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। और फिलहाल एमआई, दिल्ली कैपिटल्स और एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद, ये तीनों चारों में चाहती है कि बीसीसीआई आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर एक बड़ा कदम उठाए और आईपीएल 2020 के सीजन से पहले कुछ फ्रेंडली मैचेस या फिर वार्म अप मैचेस टाइप के मैचेस कराए। दरअसल जैसे आपने वर्ल्ड कप या फिर किसी भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट से पहले देखा होगा कि फ्रेंडली मैचेस होते हैं, वार्म अप मैचेस होते हैं, और उसमें सारी टीम अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लेती है और ये देख लेती है कौन से प्लेयर फॉर्म में है, कौन से प्लेयर कहां पर सेट होता है, कौन से प्लेयर को कौन सी पोजीशन पर खिलाना होता है। तो एमआई, दिल्ली कैपिटल्स और की टीम और साथ ही केकेआर की टीम बीसीसीआई से मांग कर रही है कि इस ऑक्शन के साथ ही बीसीसीआई एक बड़ा कदम उठाए और आईपीएल 2020 के सीजन से पहले लगभग एक महीने पहले या फिर 15 दिन पहले कुछ फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करे, जिसमें एक टीम तीन या फिर 4 मैचेस फ्रेंडली मैचेस खेल सके और ये मैचेस इंडिया में ना कराकर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कराए, क्योंकि वहां पर क्रिकेट का इतना महत्व नहीं देते, वहां फुटबॉल काफी अधिक पॉपुलर है, क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है। तो ये चार टीमें चाहती है कि आईपीएल वहां पर भी जाए, आईपीएल वहां पर भी फैले और आईपीएल के फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड और बढ़े और आईपीएल की पॉपुलैरिटी और बढ़े। इसके अलावा इन टीमों को पता चल जाएगा कि कौन से प्लेयर इनके लिए फॉर्म में है, क्या कॉम्बिनेशन ये टीम आईपीएल में लेकर उतरे, पहले मैच में क्या कॉम्बिनेशन इन टीमों का हो, क्योंकि अब आईपीएल काफी बड़ा टूर्नामेंट हो चुका है। पूरे साल या फिर लगभग 8-10 महीने सारी टीमें आईपीएल एक सीजन की तैयारियां करती है। आईपीएल अब ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, बड़े लेवल पर काफी बड़ा टूर्नामेंट बन चुका है। करंटली आईपीएल वर्ल्ड वाइड में नंबर 1 T20 टूर्नामेंट है। तो बीसीसीआई हो सकता है ये कदम इस ऑक्शन के बाद उठा दे और आईपीएल 2020 के सीजन से पहले कुछ फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करे यूएसए में। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की मांग एमआई की टीम इस ऑक्शन से पहले कर रही है और हो सकता है ये मांग एमआई की पूरी हो जाए और बीसीसीआई से ग्रीन सिग्नल दे दे। हालांकि अभी करंटली 4 ही टीमें साथ दे रही है, अगर एक आधी टीम और आ जाएगी तो जल्दी ये मांग पूरी हो जाएगी। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या एमआई की ये मांग पूरी कर देनी चाहिए, क्या फ्रेंडली मैचेस आईपीएल 2020 से पहले होने चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।